और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो ये ग्राफ कॉपी है, इस ग्राफ कॉपी में बनाकर बताता हूँ इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, कुछ कहने का मतलब इक्वेशन लिख लेते हैं 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ताकि हम लोग को आसानी हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। या और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट्स मिला था, क्या मिला था, यहाँ जो पॉइंट्स मिला था एक्स वाई, ये 15 माने तो ये 25 आया, और ये 20 माने तो ये 0 आया, ये एक्स वाई 30 30, ये हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ये एक्स वाई हम अपने मन से लिए, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी पॉइंट्स ले वो ग्राफ के अंदर आना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी ग्राफ बनाएं अब स्केल पेंसिल और एक इरेजर साथ में रखें, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा दो लाइन है, इस दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे इस डाटा की हेल्प से। और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि डार्क बने कि दिखे, ठीक है, ये लाइन दिख रहा है, ये हो गया, और ये वाई एक्सिस ये हो गया, ये जो है ये एक्स एक्सिस, आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। अब ये तो ज़ीरो है हमारा, ये सब तो सभी को जानते हैं। अब इस चीज़ को ग्राफ बनाने में के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस डाटा को देखेंगे कि मेरा डाटा मैक्सिमम मिनिमम कितना है। तो मैक्सिमम है 20, एक्स कितना है 40, मिनिमम कितना है 20। तो हम लोग क्या 10 20 30 40 50 60 ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम दो यूनिट को मान लेते हैं 10, ठीक है, 10 10 20 30 30 40 50 60 इस तरह से मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं हम 10 20 30 40 50 60 70, ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे कि ये एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है। ये फ्रेंड्स ये सब इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ये सब ध्यान देना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टेबल्स को, ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस, क्योंकि हम लोग एक्स टेबल माने हैं ना इसलिए, और ये जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चेयर्स को, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट हो गया यहाँ देखेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, एक पॉइंट दो पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ यूनिट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान हमेशा दीजिएगा। एक्स एक्सिस में दो यूनिट, एक यूनिट, एक दो यूनिट, ये देखो ये एक यूनिट हुआ
और ये दो यूनिट हुआ, दूसरा यूनिट, एक बॉक्स एक यूनिट के बराबर होता है। तो टू यूनिट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं, टू यूनिट इज इक्वल टू 10 वाट टेबल्स, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या लिखे हैं कि दो यूनिट इज इक्वल टू 10 चेयर्स, ये हम लोग लिखे हैं। अच्छा ये तो हो गया। अब ये तो फ्रेम है, मतलब ग्राफ को बनाने से पहले ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब एक पॉइंट दो पॉइंट तीन पॉइंट, एक्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा का इस्तेमाल कर कर हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या है मेरा 15 जब x इज इक्वल टू 15 है तो देखो 10 और ये 5 15, तो इस 15 पर कितना है 25, y कितना है 25, तो ये 20 5 25, तो ये है, ये कितना है 15 25, ठीक है। अच्छा एक और एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब है